हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ICMR के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRCNE। इसके द्वारा रिलीज किया गया है 22 डिफरेंट प्रोफाइल की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मेडिकल कैंडिडेट से लेके नॉन मेडिकल, टेक्निकल सभी तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MTS या फिर लाइक इंजीनियर्स, लाइक डॉक्टर्स, ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट, BCom होल्डर, सभी तरह के प्रोफाइल की वैकेंसी इसमें रिलीज की गई है। हम देखेंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, राइट। सो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, राइट। आप लाइक कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेटिव रहे तो। यहाँ पे देखिए, आपका जो है फर्स्ट प्रोफाइल की अगर बात करें तो किसी में जो है एक ही वैकेंसी है, किसी में एक से ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें 12th होल्डर से लेके PhD होल्डर तक की वैकेंसी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी है। तो इसमें जो है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइक इन साइंस, लाइफ साइंस, एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, MTech फर्स्ट क्लास डिग्री विथ बायो इंजीनियरिंग से किया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन है सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन एनी लाइक लाइफ साइंस, एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी विथ PhD। अगर PhD है देन फिर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ही वैकेंसी है तो ऐसा मत सोचिए कि अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो है एज लिमिट क्या है, 35 ईयर, राइट। 48,000 प्लस जो है अदर अलाउंसेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो 21 फरवरी है लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग करने का। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं। तो ये मत देखिएगा कि एक ही वैकेंसी है, राइट। अब दूसरा प्रोफाइल है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, ये भी नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए है, राइट। इसमें मास्टर डिग्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर आपने स्टैटिक्स में, पब्लिक हेल्थ में, डेटा साइंस में, एपिडेमोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, MTech में फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आपका PhD है तो फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब थर्ड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, सैलरी सेम होगी। थर्ड प्रोफाइल में देखिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, राइट। ग्रेजुएट डिग्री लाइफ साइंसेज से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, पब्लिक हेल्थ से, सोशल वर्क, रूरल हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है देन यू कैन अप्लाई। BTech अगर बायोटेक्नोलॉजी से किया है या बायो इंजीनियरिंग से किया है विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर मास्टर डिग्री है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी से, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट फ्रेंड्स। और PhD को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड सैलरी 30 मैक्सिमम एज है, सैलरी 32,000 प्लस अदर अलाउंसेस। उसके बाद फोर्थ प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, जियोलॉजी से ग्रेजुएट, बोटनी, मेडिकल एंटोमोलॉजी और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर। इसमें भी BTech वाले के लिए, ग्रेजुएट वाले को 5 साल के लिए मांगा है, मास्टर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, एज जो है सेम है 30 एंड सैलरी 32। अब यहाँ पे देखिए, आपका थर्ड प्रोफाइल है सीनियर प्रोजेक्ट टेक्निकल, इसमें जो है स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, डेटा साइंस, एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ विथ 5 ईयर जो है इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, मास्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, सोशल वर्कर के तौर पे यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर जो है सोशल वर्कर 1 वैकेंसी है, सोशल वर्क में, पब्लिक हेल्थ में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस, राइट। 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस ग्रेजुएट। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। 32,000 सैलरी होगा, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट पोजिशंस, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, और यहाँ पे 2 वैकेंसी है। और इसमें जो है लाइफ साइंस से अगर आपने ग्रेजुएट किया है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, राइट, मास्टर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। 31,000 रुपीज़ सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका प्रोफाइल है यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट, राइट। इसमें जो है कंप्यूटर कॉमर्स ग्रेजुएट विथ साइंस, BTech विथ जो है यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। इट्स नॉट लाइक 1-2 ईयर, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
MCA, MCOM और MBA को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, 31,000 इसमें सैलरी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में जो है 12th पास कैंडिडेट, 2 ईयर डिप्लोमा अगर मेडिकल लेबोरेटरी में है, टेक्नीशियन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, राइट। या फिर 12th के बाद 1 ईयर का DMLT प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास में साइंस सब्जेक्ट से है और 2 साल का फील्ड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc जूलॉजी बोटनी लाइफ साइंसेस और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी सैल बी ट्रीटेड एज ए 3 ईयर एक्सपीरियंस है ना, अगर आपके पास ये डिग्री है ग्रेजुएशन का तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। और एक्सपीरियंस इन मलेरिया मॉस्किटो रिलेटेड वर्क को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, 18,000 सैलरी है फ्रेंड्स इसमें। उसके बाद 10th प्रोफाइल की बात करें तो इसमें फील्ड असिस्टेंट जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में, इसमें जो है हाई स्कूल पास्ट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन सोशल वर्क में इन रिलेटेड वर्क, राइट। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल विथ 1 ईयर मेडिकल लेबोरेटरी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 10th के बाद अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी पर काम किया है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ एंड BSc विल ट्रीटेड एज 2 to 3 ईयर है ना, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और BSc है तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, राइट फ्रेंड्स। और इसमें देखिए जो एक्सपीरियंस मलेरिया एंड मॉस्किटो में जिन्होंने वर्क किया है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब 17,000 इसमें सैलरी है, 28 मैक्सिमम एज है, राइट। 21 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है कोई भी आपका अप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आपके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, ये मत सोचिए कि एक ही वैकेंसी है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें 15,800 सैलरी है, इसमें जो है 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है कुक बोरुक और बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी किया गया है, 15,800 सैलरी है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको ये लैंग्वेज आता है वही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी MTS की और वैकेंसी है जिसमें कि यहाँ पे देखिए हाई स्कूल पास कैंडिडेट, राइट, 25 मैक्सिमम सैलरी है, कोक बुरुक जो है बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए इसमें भी, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ इसमें भी जो है गारो लैंग्वेज जानना जरूरी है, राइट। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ फिर से, इसमें मीजो लैंग्वेज जानना जरूरी है, उसके बाद फिर से तो इसमें मीजो, तो मतलब अभी जो है हर एक रीजनल के